हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पे। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों वैकेंसी किसके अंदर आई हुई है, HPCL दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये एक ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। ओके, तो दोस्तों मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज 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 इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए यहां पर सैलरी कितनी दी जा रही है। सैलरी है 16.2 लाख पर एनएम का पैकेज आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों, और वो भी फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। और आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। ओके, तो देखते हैं दोस्तों यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 294। इसके अलावा कौन कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर्स। ओके, जैसे ऑल ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीए दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ एंड एचआर पर्सन कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। ओके, इस वैकेंसी की बाकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जैसे पेपर कब होने वाला है, स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सिलेबस क्या क्या होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से वैकेंसी की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, छोटी से छोटी वैकेंसी की अपडेट भी आप लोगों से मिस ना हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट। ओके, तो स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों इस वैकेंसी का वो है 23rd of June। मतलब अभी तक जो है दोस्तों, अभी तक जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा 23rd of June से, एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 22nd July। 22nd जुलाई दोस्तों, लगभग एक महीने का समय आप लोगों को यहां पर दिया जा रहा है कि इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जानिए और अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, साथ साथ एज लिमिट भी दिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो मैकेनिकल इंजीनियर, सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, E2 दैट इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 103 फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसके अलावा एज लिमिट कितना है दोस्तों, 25 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी प्लस 23, इफ यू बिलोंग टू एससी एंड एसटी प्लस 5 दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सेम क्राइटेरिया है, वैकेंसी 42, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 30 एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए 25 वैकेंसी है दोस्तों यहां पे। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखते हैं केमिकल इंजीनियर वालों की 7 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की 5 वैकेंसी है दोस्तों। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश, सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, केरला, गोवा, है ना, इन सब की भी वैकेंसी यहां पर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर वैकेंसी आपकी किसकी है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एचआर ऑफिसर की। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं। ओके चलिए, अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं, अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी। ओके, यहां पर जैसे कि दोस्तों हम बहुत सारे ना सब ब्रांचेस से बिलोंग होते हैं, जैसे कि कोई कोई इंजीनियरिंग मैकेनिकल में ना करके ऑटोमोबाइल में करता है, या मैकेट्रॉनिक्स में करता है, या सैंडविच में करता है, बराबर। तो क्या वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, जो मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है वहां पर मैकेनिकल वाले एंड मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सिविल के लिए प्योर सिविल, केमिकल के लिए दोस्तों केमिकल के साथ साथ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ओके, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आईटी एंड कंप्यूटर दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों सबसे मेन सिलेबस, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा।
तो दोस्तों डिटेल सिलेबस यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन हां सिलेबस जरूर मेंशन किया गया है। यहां पे क्या बोला गया है कि सिलेबस के अंदर क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड का उन्होंने मतलब क्या बोला है, उसके अंदर आपका इंग्लिश भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, एप्टीट्यूड भी आएगा, इसके अलावा आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी, ओके, नॉन टेक्निकल पार्ट में। टेक्निकल पार्ट के ऊपर दोस्तों अगर हम आते हैं तो टेक्निकल पार्ट में आप लोगों को क्लियर क्लियर वहां पे बोला गया है कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं वहां का टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को पूछा जाएगा। अब इसके नीचे एक नोट भी दिया हुआ है दोस्तों कि जो डिटेल सिलेबस है वो अभी यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन नोट दिया है कि जो डिटेल सिलेबस है वो जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो आपको वेबसाइट के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहना है ताकि आपको डिटेल सिलेबस मिल पाए दोस्तों, है ना। ओके नेक्स्ट दोस्तों यहां पर देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर दोस्तों यहां पर क्लियरली लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 12 hours on 23rd of June. 23rd of June को जो है application चालू हो जाएगा रात 12 बजे से, ओके इसके अलावा दोस्तों दोपहर 12 बजे से, इसके अलावा 23.59 hours जो है आपका दोपहर 12 बजे से चालू होगा 23 जून को, और 22 जुलाई रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट दिया है www.hindustanpetroleum.com, ओके इसके अंदर करियर्स के अंदर जाके आपको जो है करंट ओपनिंग में जाके अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो तगड़ी एप्लीकेशन फीस भरनी है दोस्तों। किसको? यूआर वालों को, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को दोस्तों। तगड़ी फीस कितनी भरनी है, तो आप लोगों को जो एप्लीकेशन फीस भरनी है दोस्तों वो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, दैट इज 1180 रुपए भरनी है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 1180 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, ओके। लेकिन दोस्तों फीस से डरिए मत, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो प्लीज 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 इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, जरूर अप्लाई करिएगा, ओके। चलिए दोस्तों इसके अलावा दोस्तों चलिए ये जो हमारा वीडियो था इसके अंदर हमने डिटेल डिस्कस किया कि जो वैकेंसी आई है HPCL के अंदर, दोस्तों इस वैकेंसी के ऊपर फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही सिलेबस अपलोड होता है तुरंत उसके ऊपर वीडियो बनाकर हम यहां पर पोस्ट करेंगे कि सिलेबस क्या है, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बुक्स कौन से प्रेफर करने हैं आपको इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।